गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले देखिए, मैंने आपको एक वीडियो दिया था अकाउंटेंसी की क्लास है, इतना तो याद होगा आपको, ठीक है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 13 का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। इनकेस आपने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं देखा है तो उसे जाइए देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको पता चल जाए। आइए आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसको बहुत ही शांति से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक उसको देखिए अच्छे से। पीछे देखिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से एक एक एडजस्टमेंट पे ध्यान दें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर देखिए ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं 41,000 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए परचेस है 50,000 का, उसमें से परचेस रिटर्न हमने माइनस किया 2,500, ठीक है 47,500। वेजेस 22,000, उसके आउटस्टैंडिंग था 1,000 का, तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है, आपको पता है आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया 23,000 हो गया। कैरेज हमने 1,000 दिया। रेलवे फेयर 500 उसमें ऐड किया। ध्यान दीजिएगा रेलवे फेयर भी परचेस पे माना जाता है, इस वजह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के इसको यहां लिखा रहे। सेल्स बाय सेल्स 1,15,000, इसमें सेल्स रिटर्न माइनस कीजिए 1,500, ये हो गया 1,13,500। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए 65,559,500, इसको ऐड कीजिए 1,33,000, 1,33,000 दोनों साइड में लिखिए। उसके बाद ये इस सभी माइनस कीजिए, ये कम जो अधिक होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, अधिक यही है क्रेडिट साइड में अधिक है, तो मैंने लिख दिया। और ये जब माइनस किया तो ये आपका 60,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करके आगे हम क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ओके ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद देखिए उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पे पीएनएल बनाने के लिए 60,000। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सैलरी लिखा 5,000, आउटस्टैंडिंग था 600, उसको ऐड किया 5,600 हो गया। इंश्योरेंस 300 था, उसमें प्रीपेड का 100 रुपया माइनस किया 200 हो गया। बैड टैक्स आपका 1,200 है। न्यू प्रोविजन जो है 45,000 का, जब 5% निकालेंगे तो 22,500 होगा, उसको ऐड कीजिए 34,500। और 34,500 में से जो ओल्ड प्रोविजन है, देखिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया होगा 600 माइनस कीजिए 28,400 ओके। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्रेडिट्स में से 45,000 था, उसमें से 22,500 माइनस कीजिएगा, फिर जो आएगा उसका 2% जब निकालेंगे तब 855 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन निकालिए, ये देखिए 40,000 में 5% प्लांट और मशीन में, 90,000 में 2% लैंड और बिल्डिंग पे, ठीक है। तो 2,000 ये हुआ, 1,800 ये हुआ, दोनों मिला के 3,500। रेंट रेंट सेट टैक्स 2,800 हो गया। एडवर्टाइजमेंट आपका 200 हो गया। डिस्काउंट आपका 600 हो गया। ये सभी खर्चे हैं, इसको डेबिट साइड में लिख दें। डिस्काउंट रिसीव 500 यहाँ पे। अब सुनिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डेबिट में लिखते हैं और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों को अलग पे ऐड कीजिए, देखिए कौन सा साइड है, ठीक है। मैंने पाया कि 61,300 ये वाला साइड 61,300, इसको जब ऐड किए तो 61,300 आया, ये अधिक है, इसको दोनों साइड मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं दोनों साइड लिख दिया। और जब उसमें से घटाया तो कितना आ गया 44,395, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आपको बैलेंस शीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, अपनी तैयारी कीजिए, और जैसे ही ये सब समय ख़त्म होगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा। देख लीजिए शायद कट गया था वीडियो में, ध्यान से देख लीजिए नीचे का, ये शायद वीडियो में आपके कट गया था, अब आप ध्यान से देख लीजिए उसको। 61,300 देखिए दोनों साइड है, और जब घटाया हमने तो आपका 44,395 आया है, ओके ध्यान से इसको देखिए और नोट कीजिए।